Particles enter Sorry. the particles enter a region of uniform magnetic field of flux density 930 micro T. Tesla. Initially the Tesla initially the particles are traveling at right angle to the magnetic field. The path of the single particle is shown in figure 2 7.1. Negatively charged particle follows a curved path of radius 7.9 centimeter in magnetic field. The uniform electric field is then applied in the same region as the magnetic field. For an electric field strength of 12 kilovolt per meter, the particles are undeviated as they pass through a region of the fields. On figure 7.1, mark with an arrow the direction of the electric field. अब क्या डायरेक्शन मार्क करेंगे आप? अब देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब सर, सही है। इसके क्वेश्चन इस क्वेश्चन को एक नंबर तो दे रहे हैं, लेकिन इसका थिंकिंग प्रोसेस काफी लंबा है। सही है। सबसे पहले तो आपको ये मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। सही है, या चलो डायरेक्ट आसानी से सोचते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स, कैन यू टेल मी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है? यस सर, फ्रॉम लाइक ऊपर से नीचे जा रही है. ऊपर से नीचे जा रही है, एक्चुअली नीचे से ऊपर जा रही है, इधर। ओके, उसके सो परपेंडिकुलर रहेगी ना डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के. जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर होगी ना। सही है, सो दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो यहाँ से यूं होगी। सही है, यहाँ से यूं होगी। सही है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नाउ दिस मैग्नेटिक फोर्स, नीचे से ऊपर क्यों जा रही है? सॉरी ये दोबारा बोलो, नीचे से ऊपर क्यों जा रही है? ब्रो, अगर तुम सर्किल में घूम रही हो, राइट, सो देर शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगनी चाहिए, है ना, जिसकी वजह से सर्कल बनता है। ऐसे ही है। हाँ और ये जो चार्ज पार्टिकल है, हमने डिस्कस किया था कि ये भी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क बनाता है। सही है, और या जब सर्कुलर आर्क बनाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है इस केस के अंदर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से जो है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब अगर अगर आप इसको सर्कल ओके कंप्लीट करोगे तो ये बहुत बड़ा सा सर्कल बनेगा। सही है, और इसमें जो फोर्स होगी वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करेगी। ओके, सही हो ठीक है. गया। नाउ अब ये तो हमें पता चल गया। सही है, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्चुअली डेविएटिंग द पार्टिकल। ओके, पार्टिकल का ओरिजिनल पाथ ये है। सही है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द पार्टिकल, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्चुअली डेविएटिंग द चार्ज पार्टिकल। अगर हम सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दें, सो उसकी वजह से पार्टिकल डेविएट नहीं होगा। राइट, मेकिंग सेंस? तो अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगा दूं, FE, सही है, तो अब क्या होगा कि हर जगह से इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगी, सब पार्टिकल जो वो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएगा। राइट, और आपको पता है, यू नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आर एग्जैक्टली पैरेलल। राइट, सो हम ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड। ओके, इज दैट क्लियर? सही हो गया। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फोर्स की भी। ओके, आगे चलिए प्लीज। कैलकुलेट फॉर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल द स्पीड वी. ओके, कोई फॉर्मूला आपके जहन में? इन्होंने हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है. और ये बेसिकली सर, हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। सही है, सिर्फ यही एक छोटी सी चीज़ है जो कि वेलोसिटी सिलेक्शन का एक छोटा सा पोर्शन होता है जो कि इससे कनेक्टेड है। ओके, तो अब बेसिकली अगर आप याद करो, हमने कहा इस केस के अंदर, हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये बेसिकली बराबर है, जिसकी वजह से पार्टिकल इंडिविएटेड जा रहा है। ऐसा ही है, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज बेसिकली
ई क्यू, राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में जो रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू विड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, एंड मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होती है बी क्यू वी। साइन थीटा लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कहा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सही है, तो आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, राइट एंगल बताया हुआ है, ओके, सो अब जो वो आपको वाली एफ पी इक्वल टू बी क्यू साइन थीटा सो वाली, साइन थीटा में जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर राइट एंगल पे एंटर हो रहा है, ओके, इज दैट क्लियर, तो सही हो गया। सो वी से क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई ओवर बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली इक्वल टू द वेलोसिटी, ओके, सो नाउ यू नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 12 एक्सपोनेंट 3 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली हाउ मच, 930 माइक्रो टेस्ला, 930 माइक्रो टेस्ला, एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट द वेलोसिटी, जरा निकाल दो प्लीज। ट्वेल्व पॉइंट नाइन इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, सो यू आर सेइंग 12.9 एक्सपोनेंट 6, ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव नहीं, ऑन, 26। सॉरी सॉरी सॉरी, 6, हाँ जी आगे आ जाइए। द रेशियो चार्ज इज टू मास। क्या यूज करेंगे, अच्छा जी, चार्ज टू मास के रेशियो के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फोर्स एफ बी प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपेटल फोर्स, सो हम ये कह रहे थे एम वी स्क्वायर ओवर आर, ओके, सही हो गया, और हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स इज इटसेल्फ इज बी क्यू वी, बी क्यू वी, और चूंकि वो राइट एंगल पे गुजर रहा है इसलिए हमें साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, सही है, क्योंकि साइन थीटा 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, ओके, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ओके, सो वी और वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास जो है अब आपने निकालना है चार्ज टू मास रेशियो, ओके, सो चार्ज यहाँ पे आ गया क्यू डिवाइडेड बाय एम, हम यहाँ पे ले आते हैं, बाकी चीजें उधर भेज देते हैं, सो एम वी ओवर बी एंड आर, ओके, ये हमारे पास आ गया, सही है, मास, अब हमने हमें उसने कहा है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन क्या उसने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बताई भी है क्या, नहीं, चार्ज पार्ट, अच्छा सॉरी, चार्ज की तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, ये मास भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, मास तो तो वहाँ से एम रहेगा, पी सॉरी सॉरी, हाँ, तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया 12.9 एक्सपोनेंट 6, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें उसने दी हुई है 930 एक्सपोनेंट -6 एंड आर हमें दिया हुआ है 7.9 एक्सपोनेंट -2, कितना आ रहा है, वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू 10 टू द पावर 11। ओके परफेक्ट, 1.76 एक्सपोनेंट 11, ओके समझ में आ गया, ओके राम ब्रो ये वाला क्वेश्चन डाल जाओ प्लीज। हेलो, मैं क्राउ सर। यस सर, ओके। A uniform magnetic field has constant flux density B. A straight wire of fixed length carries a current I at an angle theta to the magnetic field. The current I in the wire is changed, keeping the angle theta constant. On figure 6.2, sketch a graph to show the variation with current I of the force F on the wire. जनाब, अच्छा जी ये आपके पास है, सही, आप अगर फॉर्मूला याद करो तो आपके पास होता है एफ बी इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ओके, तो उन्होंने सब चीज़ों को कांस्टेंट लिया हुआ है, तो फिर साइन का ग्राफ बनेगा। अच्छा अबे क्यों भाई, साइन थीटा तो कांस्टेंट है, अच्छा थीटा कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो फिर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। वेरी गुड,
स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, परफेक्ट, आगे आ जाइए। द एंगल थीटा बिटवीन द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ वेरीड. द करंट इज केप्ट कॉन्स्टेंट ऑन फिगर 6.3. स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन विद एंगल थीटा ऑफ द फोर्स एफ ऑन द वायर. जनाब क्या करें इसमें? साइन का ग्राफ होगा. साइन का ग्राफ, ओके, साइन का ग्राफ कैसे बनाऊं? कितने साइकिल होंगी? 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, हाफ साइकिल? फिर हाफ, हाफ आएगा हाफ क्योंकि 90 तक. है, क्वार्टर नहीं बनेगी, हाँ जी, मतलब वही क्वार्टर. अबे क्या मतलब वही क्वार्टर, ऐसा मत बोल रहा है। सही है, सो 360 सही है, 180 सही है, एंड दिस इज 90 एंड दिस इज 270। देखो सारा का तो समझ में आता है, बेचारी के पास मैथ्स नहीं है। सही, तो तो चलो उसके लिए तो 2 थीटा होना चाहिए ना फंक्शन में, क्या अगर होना ये वाला चाहिए, ग्राफ क्या बने. होना टू चाहिए, थीटा क्यों 2 थीटा भाई? तो आप मतलब 90 तक बना रहे हैं तो सर हाफ से क्वार्टर. मेरा मत बोलता, हाफ कभी हाफ। सही ओफ, अच्छा ऐसा बोला था। अच्छा, ठीक है, मुझे समझ आ गई सर. सही हाँ है. अच्छा, तुम इतना कंफ्यूज कर रहे हो, वो बेचारी अपना इतना कवर अप कर रही है, ऐसा मतलब मेरी गलती है? हाँ, मैंने मान लिया, आई एम सॉरी। नहीं सर, वो हाफ से अच्छा मुझे लगा कि 180 तक बना रहे हैं तो ठीक है. ओके ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड एट राइट एंगल्स टू द रेक्टेंगुलर सरफेस पी क्यू आर एस ऑफ अ स्लाइस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टूवर्ड्स द स्लाइड एस आर एंटर द स्लाइड स्लाइस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द स्लाइस एट राइट एंगल्स टू साइड एस आर. सही है जनाब। एक्सप्लेन वाई इनिशियली द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द स्लाइस फ्रॉम साइड एस आर टू साइड पी क्यू. क्या वजह होगी? सीधा सीधा रीजन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, राइट? समझ रहे सर हो ना? मैं कहने लगा था ये, लेकिन इससे ये कैसे एक्सप्लेन होता है कि करिए सर। इनिशियली वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे. और तो मतलब, और हम किस तरह से, आपके जहन में क्या आ रहा है वो राउंड राउंड घूमेंगे. ऐसे बेसिकली? हाँ ऐसे ही होगा। देखो ना, होगा तो सर ये देखो, शुरू में भी इतना है तो बाद में कैसे स्ट्रेट लाइन बन जाती है. बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है ना, ओके ओके आते हैं आते हैं उसमें आते हैं। देखो जब पार्टिकल, जैसे अगर ये चार्ज पार्टिकल यू मूव होगा, सही है, अब अगर आप फिलामेंट का रेफरेंस रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये जो है ना चार्ज पार्टिकल यू मूव करेंगे। अबे यार ये अजीब सी स्क्रीन हो गई है, तो चार्ज पार्टिकल यू मूव करके जाएंगे, सही। अच्छा जनाब, सो हम ये कह देंगे कि भाई व्हेन मूविंग इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स पासिंग एक्टिंग नॉर्मल टू द फील्ड, टू द फील्ड और टू द पाथ, ओके, तो उस वजह से वो डिफ्लेक्ट होंगे। सही, आगे आ जाओ। Explain to which side P, S or Q are the electrons tend to move. हमने ये पहले ही बता दिया, क्योंकि अगर आप फिलेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करो, जरा लगाओ फिलेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऊपर की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा? यस
आ रहा है? सर नहीं आ रहा। नहीं। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो फर्स्ट फिंगर आपने डाउनवर्ड रखनी है, सही है। अब यहाँ पे देखो, उसने कहा पे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज नहीं इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट चार्ज में आपकी सेकंड फिंगर होगी, क्योंकि सेकंड फिंगर जो है कन्वेंशनल करंट के लिए बनाई गई है। ओके, तो अब दोबारा से करो। फर्स्ट फिंगर डाउन, सेकेंड फिंगर टूवर्ड योर राइट, और जब आप थंब खोलोगे तो थंब जो है आपके सामने जा रहा होगा। कैसा है? यस, सर 1 मिनट, सर इंडेक्स फिंगर जो है वो नीचे को है। यस, ओके और सेकंड फिंगर जो है वो राइट को। हाँ जी सर, वो थंब मतलब फॉरवर्ड को पॉइंट कर रहे हैं आ गया। जी। अच्छा जी, तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे कि टूवर्ड द साइड क्यू आर, सही है, टूवर्ड द साइड क्यू आर। और उसमें आप क्या कहोगे, बाय यूजिंग फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। अगला आ गया जा भाई। Positive ions are traveling through a vacuum and narrow beam. The ions enter a region of uniform magnetic of flux density B and are deflected in a semiconductor arc, semicircular arc, as shown in figure 5.1. अच्छा जी, Okay. The ions traveling with the speed of 1.4 into 10 to the power of 5 are detected at a fixed detector. When the diameter of the arc in the magnetic field is 12.8, by reference to figure 2.1, state the direction of the magnetic field. क्या करोगे? लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगेगा। सही है। तो अगर हम ऊपर की तरफ हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने फोर्स भी बताई हुई है, सही है। सो आप कह रहे हो ये इधर आ जाएगा, फोर्स यहाँ पे आ रही है ऊपर की तरफ, कैसे भाई? देखो ना, अगर आप जो है वो आपकी सेकंड फिंगर इधर होनी चाहिए राइट, और जैसे जैसे जो है जैसे वो ये यहाँ पे एंटर हुआ है, सो सेकंड फिंगर आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, फर्स्ट फिंगर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल राइट। सो आपका, सॉरी नॉट फर्स्ट फिंगर, द थंब टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, द सेकंड फिंगर इन टू टू द राइट, ओके। तो अब आपके पास जो फर्स्ट फिंगर होगी वो कहाँ पे आ रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड? राइट साइड की तरफ आ रही है। पता नहीं कैसे रहा। अबे वो स्क्रीन में नीचे झुका के काम करो, तुम 3 डायमेंशन में काम कर रहे हो होशियारी की तरह। नहीं, तब भी अवे फ्रॉम यू आएगी, ये इस तरह से बनेगा। अबे ऐसा मत बोलो यार, आसान से है तो। मैं जरा पिक्चर भेजता हूँ। अबे ग्रुप कहाँ गया, गुम हो गया, ये रहे रहे। ऐसी तुम लोग के पास बनेगी ये। आ, 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 पूरा हाथ देख रहा है। यस, ये ऐसी बन रही है तुम्हारे पास, बन रही है ऐसी, जरा चेक करके बताओ। अच्छा ओके, ऐसे ही बनेगी। अब क्या मतलब, पहले का जुगाड़ लगा रहा था भाई फिर? पहले समझ नहीं आ रहा था। अच्छा ओके, सो आपने कह दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इज इनटू द प्लेन, चाहिए इन टू द प्लेन। चलिए आगे चलिए प्लीज।
The ions have a mass of 20 U and a charge of +1.6. Okay, show that the magnetic flux density is 0.454 Tesla. Explain your working. ओके सो क्या कर सकते हैं. अच्छा एक्सप्लेन योर वर्किंग में तो आपने ये कहना है कि भाई व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके सो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू चार्ज पार्टिकल. ओके व्हेन एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड. सही, ये हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन. अब हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे भाई मैग्नेटिक फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए, तो हम इसको कह रहे थे एम वी स्क्वायर ओवर आर. सही. मैग्नेटिक फोर्स सेल्फ होती है हमारे पास बी क्यू वी, और चूंकि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा की जरूरत नहीं है. सही है, एम वी स्क्वायर ओवर आर. सही है, वी से वी कट गया है. सही है. अच्छा आपने निकालना है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ओके क्यू वहाँ पे भेजो. सही है. सो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है, राइट. द आयन हैज, ओके द आयन हैज अ मास 20 U, 20, और यू आपको पता है 1 U इज बेसिकली 1.66 एक्सपोनेंट -27. ओके ये आपके पास आ गया 1 U, और इसकी स्पीड इन्होंने दे रखी है 1.4 एक्सपोनेंट 5. ओके सो 1.4 एक्सपोनेंट 5. ओके ये आ गई स्पीड, आ गई. सही है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने, अब देखो इन्होंने डायमीटर ऑफ द कर्वेचर दिया हुआ है. ओके और हमें रेडियस चाहिए, होशियारी मत कर देना, पूरा मत रख लेना. ओके डबल आंसर आएगा वरना. सही है. सो आपने कर दिया डिवाइड, और 12.8 है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 6.4 हो जाएगा, 6.4 एक्सपोनेंट -2. सही है, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्जन हो गई. एंड चार्ज पार्टिकल है 1.6 एक्सपोनेंट -19 का. निकाल दो जरा प्लीज. यस हाउ मच, क्या आंसर शो हो रहा है. There is 0.4539. परफेक्ट शो हो गया. आगे आ जाइए प्लीज. Ions of mass 22 U with the same charge and same speed as those in the B are also present in the beam on figure 5.1. Sketch the path of these ions in the magnetic field of flux density 0.45 T. जनाब पांच बढ़ सो गया. मास बढ़ गया, ये इसी इसी इक्वेशन को रिलेट कर दो. मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मास बढ़ गया. तो अगर आप मास को रेडियस बड़ी से फोर्स होगी. है, अगर हम रेडियस से रिलेट करें, आर इज इक्वल्स टू एम वी ओवर बी क्यू. सही है. सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. सही हो गया. तो अगर मास बढ़े तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, यानी डायमीटर भी बढ़ जाएगा. सही हो गया, समझ गया ना भाई. जी, अच्छा जनाब चलो ये हो गया, आगे आ जाइए. इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दीज आयंस एट द फिक्स्ड डिटेक्टर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज चेंज्ड. कैलकुलेट द न्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ओके अच्छा जी, सो बी इज इक्वल्स टू 22 एक्सपोनेंट 22 इंटू 1.66 एक्सपोनेंट है, पूरा करेंगे. अबे यही यही कैलकुलेशन छाप दो इसके अंदर, बस यहाँ पे 22 आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम है. एक मिनट, सेम चार्ज एंड सेम स्पीड. ओके और हाँ जी, इस 22 करो कितना आ रहा है. जीरो पॉइंट 499 आ रहा. 0.499. परफेक्ट सही हो गया.
अच्छा जनाब, अब देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। अब आप इसमें बता दो कि आर्क ऑफ द सर्किल क्यों है, क्योंकि जो है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, और अच्छा मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स, और आपके पास जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, राइट। ये डेरिवेशन हम बार बार करके आ रहे हैं ऊपर से, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपसे हो जाएंगी, राइट। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो है वो इससे रिलेट होगा, राइट। एम वी जो आपने निकाला है, ये एम वी जो है वो आपको हेल्प कर देगा मोमेंटम के में, राइट। आर बी क्यू जो है वो आपके पास फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को आपको बता देगा। ओके चलो, ये हो जाएगा तुम लोग से। पहला क्वेश्चन हमने इसी तरह का किया था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, राइट। और हमने चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड और पहले दी भी थी, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, सही है। इस तरह का कोई क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। आ जाओ भाई, कौन कराएगा? सारा जरा देख लो प्लीज। Two long straight parallel copper wires A and B are clamped vertically. The wire passes through holes in a horizontal sheet of card PQRS, as shown in Figure 7.1. There is a current in wire A in the direction shown in Figure 7.1. On Figure 7.1, draw four field lines in plane PQRS to represent the magnetic field due to the current in wire A. ओके सर ऊपर स्क्रॉल करो प्लीज. अच्छा, इन्होंने कहा हुआ है फोर फील्ड लाइन्स, सही है, और इन वायर ए, सही है। क्या करेंगे, क्या रूल लगाओगे आप? लेफ्ट हैंड. ओए नहीं, राइट हैंड थंब रूल, सही है, रिमेम्बर। अच्छा जी, उसमें कर्ल फिंगर जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बताता है, राइट। सो करंट इज डायरेक्टिंग अप पॉइंटिंग अपवर्ड, सो आपके पास जो कर्ल फिंगर आएंगी राइट हैंड की, वो जो है वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अच्छा जी, ओके। सो आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि जो सेपरेशन है बिटवीन द फील्ड लाइन, दैट शुड बी इंक्रीजिंग जैसे जैसे फील्ड लाइन बढ़ रही है, ओके। ये आपको ठीक. बस पता होना चाहिए, ओके। तो ये तीन और नंबर जो दे रहा है, एरोज हाँ, डायरेक्शन के लिए यस एरो. यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। सो ये तीन नंबर जो देगा करेक्ट एरोस, सही है, फोर लाइन ड्रॉन्स, और आपके पास जो है सेपरेशन जो है वो इंक्रीज होती होनी भी होती हुई दिखनी चाहिए। ओके आगे चलिए प्लीज। अ डायरेक्ट करंट इज नाउ पास थ्रू वायर बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट इन वायर ए. The current in wire B is larger than current in wire A. On figure 7.1, draw an arrow in the plane PQRS to show the direction of the force on wire B due to the magnetic field produced by current in wire A. अब इसमें लेफ्ट हैंड मेरे ख्याल से है। पता नहीं. सही है जनाब, और ये आपसे कह रहे हैं ड्रॉ टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर बी। ओके, अब जब सेम डायरेक्शन में करंट है, उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास देयर इज अ करंट बी इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी जब करंट ऊपर को आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में बनेगी, लाइक दिस। मैं सिर्फ दो बना रहा हूँ, ओके। मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी, राइट, और यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट, और आपको पता है कि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि इस पे जो फोर्स लगेगी वो इसकी तरफ लग रही होगी, राइट। इज दैट क्लियर? सर ये बात दोबारा से समझा सकते हो. ओके, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ गई, फ्लेमिंग मैक्सवेल राइट हैंड रूल से, ग्रिप रूल जो होता है, सही है, सही है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक फील्ड जो है, जो रेड वाली की फील्ड है वो यूं जा रही है, वो यूं मूव कर रही है, ओके, और जो नया वाला जो बनाया ब्लू वाला, उसकी फील्ड जो है वो यूं मूव कर रही है, ओके। सो दोनों की फील्ड की जो डायरेक्शन है एट दैट पॉइंट, यानी ये वाले पॉइंट पे, ये अपोजिट है, ओके। तो ओके.
जब फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, आपको पता है कि जब आपके पास जो है ऑपोजिट फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसका मतलब है वहां पे पोल्स ऑपोजिट बन रहे होते हैं, और आप जहां पे पोल्स ऑपोजिट बनते हैं वहां पे अट्रैक्शन होती है, राइट? क्योंकि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट और लाइक पोल रिपेल्स। ओके नाउ अब हमारे पास जब ये हो गया तो हम ये अब अट्रैक्शन का मतलब है कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ओके ये अट्रैक्शन होती है, सही है? तो उस वजह से हमने फोर्स पे बना दिया, राइट? क्लियर ना? चलिए आगे आ जाइए। वायर ए ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स स्टेट एंड एक्सप्लेन विच वायर विल एक्सपीरियंस अ लार्जर फोर्स. जिसका अच्छा करंट ज्यादा. है, ऐसा होगा। अच्छा अगर मुझे बताओ कि आप अर्थ पे खड़े हुए हो, सो और आपका मास है लेट्स से 70 kg, 70 न्यूटन या 70 kg आप ले लो, न्यूटन नहीं होगा, 70 kg ले लेते हैं, सही? तो ये बेसिकली जो 70 kg है, ये बेसिकली अर्थ आपको अट्रैक्ट करी है, तो आप इन रिटर्न अर्थ को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करोगी? ओह 17 न्यूटन. वाई? अर्थ तो इतनी बड़ी है, आप तो इतने छोटे हो, नहीं? वो इक्वल न्यूटन्स थर्ड लॉ. वेरी गुड। तो यहाँ पे भी क्या लगना चाहिए? सो न्यूटन्स थर्ड लॉ. वेरी गुड, सही है। सो फोर्स ऑन, ये याद कैसे था तुम्हें? ये गलती से नोट्स खुल गए थे या अभी खोल के बैठी हो? अगर खोल के बैठी हो देन वेरी गुड क्या यार, ये है। हाँ न्यूटन्स सर वही चीज याद रहती. नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये याद होता आपको। अच्छा सो वेरी गुड। सो फोर्स ऑन बोथ वायर विल बी इक्वल एंड अपोजिट बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके चलिए आगे आ जाइए। The direct currents in wire A and B are now replaced by sinusoidal alternating currents of equal peak values. The currents are in phase. Describe the variation, if any, of the force experienced by wire B. अब ऑल्दो ये वाला पार्ट हमने नहीं पढ़ा है, दैट इज व्हाई जो है ना टीचर इसको इस चैप्टर को पहले पढ़ाते, सही है? कि इसमें एक आधा पार्ट जो है ना कभी कभार इसमें दे देते हैं वो। खैर तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या होगा? सर मुझे क्या पता, ये पीक्स है स्कूल क्या? स्कूल में पढ़ा नहीं है क्या? बस अभी शुरू हुआ है चैप्टर. लाइक अच्छा चलो ओके, फिर स्किप करो उसको, जब हम उसमें जाएंगे तो देख लेंगे, सही है। अच्छा जनाब ये आ गया, ये हो जाएगा, हमसे लास्ट पार्ट इसका नहीं होगा, चलो ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, सही है। आज भाई कौन कराने वाला है? इब्राहिम आ जाओ जरा, इसको करा दो प्लीज। यस इब्राहिम कहाँ पे हो? डिफाइन द टेस्ला. टेस्ला अच्छा जी, क्या कहते हैं टेस्ला को? हम कहते हैं कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स और डेंसिटी. एक्सपीरियंस्ड है बाय लॉन्ग करंट कैरिंग, ऐसा ही बेस यूनिट, नहीं ऐसा यूनिट तो है, चलो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऑफ 1 एम्पेयर एम्पेयर व्हेन अ फोर्स पर यूनिट लेंथ इज एक्सपीरियंस्ड। ओके ये आपको इतने लंबी करनी पड़ेगी, सही? 3 नंबर में हमेशा सही, क्योंकि टेस्ला की जो डेफिनेशन होती है वो बेसिकली होती है
एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, साइन थीटा ना लिखो बस, करिए सही। लेकिन आपको फिर यहाँ पे नॉर्मल भी मेंशन करना पड़ेगा कि जो है ना नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने मेंशन ही नहीं किया। करंट वायर 1 एम्पीयर विद द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज एक्सपीरियंस्ड, वायर बाय अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऑफ 1 एम्पीयर नॉर्मल टू द नॉर्मल इन द फील्ड, ये ऐसे कुछ होगा। सही है, अभी शायद सेंटेंस ही पढ़ा, मुझे मिटाना पड़ेगा। सो बेसिकली एफ ओवर आई एल, सही है ये चीज, और साइन थीटा, सही है, इज इक्वल्स टू बी, ये चीज आपने बतानी है। साइन थीटा को आप 90 रख देते हो, सही, और आप बोल रहे हो नॉर्मल है क्योंकि उसी वक्त मैक्सिमम फोर्स होती है, मैक्सिमम फील्ड होती है, और उसी वक्त टेस्ला आपके पास आता है। ओके और जो है फोर्स आप बता दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और जो है ना जब आपके पास करंट जो है वो 1 एम्पेयर का जा रहा होता है, बस ये आपने बताना होता है। ओके चलिए आगे आ जाइए प्लीज। A horseshoe magnet is placed on a balance. A stiff metal wire is clamped horizontally between the poles, as illustrated in Figure 5.1. The परफेक्ट, magnetic flux density in space between the poles of the magnet is uniform and is zero outside this region. The length of metal wire normal to the magnetic field is 6.4 centimeters. When a current in the wire is switched on, the reading on the balance increases by 2.4 grams. The current in the wire is 5.6 amperes. State and explain the direction of the force on the wire due to the current. अभी ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में वैसे इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो आपसे पूछ रहे हो फोर्स की डायरेक्शन बता दो, लेकिन ना करंट की डायरेक्शन बताए ना फील्ड की डायरेक्शन। सही है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द, अब करंट की डायरेक्शन आपको ही पता है कि करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं पता। सही है, इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी नहीं पता। सही है, लेकिन उसने क्या हुआ कि भाई रीडिंग ऑन द बैलेंस वो इंक्रीज हो गई है। सही है, सो रीडिंग ऑन द बैलेंस इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ए, आपके पास जो है यहाँ पे कोई फोर्स नीचे एक्ट कर रही होगी। सही है, और जब कोई फोर्स यहाँ से नीचे एक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वायर पे वो वही फोर्स उतनी ऊपर एक्ट कर रही होगी, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, समझ रहे हो ना। सही हो गया। जी अच्छा जनाब चलो, जब हमारे पास ये बात आ गई कि भाई हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स मैग्नेट पे आ रही होगी और अपवर्ड फोर्स जो है वो वायर पे आ रही होगी न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, सही है, और ये जो बैलेंस की जो रीडिंग इंक्रीज हो रही है वो इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से इंक्रीज हो रही है। सही है, और अपवर्ड फोर्स के रिएक्शन में लग रही है। सही है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर, तो हमने बस इसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया। सही है, हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो है बैलेंस रीडिंग शोज दैट अ डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मैग्नेट मैग्नेट सही है, ये बात हमने कर दी। उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास अच्छा ड्यू टू करंट, सही है, फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई सो देयर विल बी अपवर्ड फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। सही, ये बात हो गई, सही हो गया, चलो आगे आ जाओ भाई। Calculate the magnitude of the magnetic flux density between the poles of the magnet. परफेक्ट, अच्छा फॉर्मूला आपको पता है, एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, बी आई एल बिल साइन थीटा। सही है, साइन थीटा आपके पास 90 है क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर वायर रखा हुआ है। सही है, सो ये आपके पास साइन थीटा 90 हो गया तो आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, सो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है। एफ आपको बताया कि भाई 2.4 ग्राम
जो है ना वो मास इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेट भी इंक्रीज हुआ होगा, वही वेट फोर्स होगी। सो 2.4 ग्राम विच इज एक्सपोनेंट, अच्छा 2.4 एक्सपोनेंट -3 सही है, और डिवाइडेड बाय बी आई एल, अच्छा बी हमें निकालना है, आई हमारे पास है 5.6, और जो करंट जो, अच्छा यहाँ पे ये भी याद रखना है जो वायर जो है मैग्नेट के अंदर होगी ना, मतलब ये वाली जो लेंथ है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ना, इसके अंदर हम इंटरेस्टेड है, पूरे वायर के अंदर हम इंटरेस्टेड नहीं है। ओके सो हमारे पास जो है 6.4 की लेंथ वो हमारे पास आ रही है। ओके सो 6.4 एक्सपोनेंट -2, और हमारे पास है 5.6 एम्पियर, और दिस विल बी इक्वल टू बी, जरा निकाल दो प्लीज। यस कोई कर रहा है? हाँ जी इब्राहिम, कहाँ तक पहुँचे हो? सर आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर राइट नाउ। अरे यार सर, 6.7 × 10⁻³। 6.7 एक्सपोनेंट -3, थैंक्स, 6.7 एक्सपोनेंट -3 सही आ रहा है। नाउ इसको छोड़ दो, ये अब हम अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे पास जो है साइनसॉइडल करंट से रिलेटेड आ रहा है। अच्छा जी, इस तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। अरे मैं पहले की तो थी, वैसे ही उससे ही लिंक्ड कब की हमने? अरे है सर वो रूट। वाला आरएमएस नहीं, मतलब वो जस्ट आरएमएस नहीं, आरएमएस जो है वो एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है मैथ का, जो कि फिजिक्स के अंदर डिफरेंट उसके अंदर लगता है। सही है, तो अभी फिलहाल जो यहाँ पे आरएमएस है वो करंट है। सही, आरएमएस करंट, वहाँ पे हमने आरएमएस स्पीड पढ़ी थी। सही है, अच्छा सही हो सही गया। है। अच्छा अब तकरीबन तुम लोग जो है ना इसके मैक्सिमम क्वेश्चन तो तुम लोग कर पाओगे, राइट? बहुत आसान से क्वेश्चन है। सही, मेरे ख्याल से लंबी करें क्लास, और लंबी करें क्या? नहीं सर, है ना, बस करनी चाहिए ना, सर आपकी एक बंदी ने तो मर्जी। बोल दिया नहीं करें। है सर आप इसकी वीडियोस कब अपलोड करेंगे? प्लीज यार देखो, कयामत जल्दी कर शाम, दीजिए। अब मैं क्या करूं यार, मैंने ओ लेवल्स की कर दी है, एएस की भी कर दी है, सिर्फ तुम लोग सर के आप नहीं मेरे हुए। एक्सेल कर दिया आप करूंगा एक अपलोड। भी, मैंने नोटिस किया यूट्यूब पे आप नहीं करते टाइम पे अपलोड। अबे यार आई एएस एम ही कर सो दे रहे सॉरी हैं, यार, मेरे एएस ही कर बच्चे दे। मेरे बेइज्जती कर रहे हैं यार। अच्छा ओफो, मतलब तो मेरी इज्जत पे बात आ गई, कैपेसिटेंस 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 भी कर दूं। अच्छा कर देता हूँ यार, रात में प्लीज। कर देता हूँ। सही, आज आज में पक्का पक्का सही हो गया। अच्छा मैं और नहीं करा रहा फिलहाल क्वेश्चन, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन, अभी तक तुम्हें एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन देख रहे हैं। सही है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे रिपीटेड है, बट प्लीज बैठ के इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेना, रिपीटेड क्वेश्चन समझ के छोड़ मत देना, खासतौर पर सारा अब्दुल्ला तुम लोगों के, और थोड़ा सा इसको लिख लेना, बार बार अटेम्प्ट करोगे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। ओके, थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन है, बट पहले जो पुराने वाले क्वेश्चन है जब उसको सॉल्व करोगे यहाँ तक पहुंचोगे समझ में आ जाएगा, राइट? तो बस अब आज की कहानी इधर करते हैं, मैं इंशाल्लाह रात तक लेक्चर अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद जो है ये हमने क्लास में इस तरह की कोई चीज़ देखी थी। सही है, आखिरी बिल्कुल सही है, ये बाकी तकरीबन चीज़ें एक जैसी आनी है। सही है, तो चलिए बस करते हैं। सही है, चलिए जनाब, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।